रविंद्रा दीक्षण, कैसे आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग बाय प्रियंका एंड मीटू में। तो आज है बहुत ही खास दिन, आज है मेरी बानी का जन्मदिन। तो मैं चाहती हूँ कि सभी जो जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मेरी बानी को बर्थडे विश करे। तो अभी मैं नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो देखिए, मेरा ये मैंने सूट अभी वियर किया हुआ है सुबह के टाइम, और ये मैंने घघरी पहनी हुई है। तो मुझे देनी है अभी पात्री। तो आप सभी को पता है कि जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कोई पूजा होती है, तो हम घर में सबसे पहले पात्री ही देते हैं। तो चलिए ये शुभ काम कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे स्कूल भी जाना है। स्कूल जा करके वहाँ पर केक भी काटना है बच्चों के साथ, और फिर उनको खाना भी खिलाना है, खाना भी देना है। तो बहुत सारे काम है आज। तो भाई, एक बार फिर से मैं बोलती हूँ कि आज मेरी वानी का बर्थडे है, तो आपकी विशेष की उसको बहुत ज़रूरत है। तो उसको आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि मेरी वानी जो है ढेर सारी तरक्की करे, ढेर सारी उन्नति करे। तो चलिए मिलते हैं अब नीचे, क्योंकि मैं अब देने वाली हूँ पात्री। बानू के बर्थडे पे सबसे पहले पूजा करना तो बनता ही है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पूजा पाठ कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले यहाँ पे पात्री देने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे डुनू में सतनाजा रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ इसको डुनू बोलते हैं, जो कि बच्चे के सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाया जाता है और इसको चौराहे पर रखा जाता है। शायद आपके साइड भी ऐसा करते होंगे। तो ये सब जो है करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं डुनू वगैरह करके, नहा धो करके मैं अब पात्री देने वाली हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर का ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है, ये पात्री वगैरह देना। तो आज वैसे भी मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो ये काम करना मैं कैसे भूल सकती हूँ। घर की हर दहलीज पे जो है इस तरह से फूल चढ़ाए जाते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ अनाज रखा हुआ है, चावल, मक्की, साबुन, तेल, नमक। तो हमारे लैंग्वेज में इसको नसरामा बोलते हैं। ये जो है, जो भी जब बानी पैदा हुई थी तो इसके टाइम की जो दाई थी उसको दिया जाएगा ये सब। और ये विध विधाई है, सबसे पहले इसी की पूजा की जाती है जो मैंने बनाई हुई है। यहाँ पे मम्मी ने ये बनाई हुई है। तो बानी का बर्थडे बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो हम बानू के पापा को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि बानू के पापा बानू के इस बर्थडे पे नहीं हैं, लेकिन अगले बर्थडे पे बानू के पापा घर शायद आ जाएंगे, तो हम अच्छे से और भी ज़्यादा बढ़िया सेलिब्रेट करेंगे। फोटो भी लेना मनु का, इधर से ले लो फोटो, मनु का फोटो फोटो खुद
देखो उधर वहाँ देखो ऊपर ले बल्ले बल्ले ये तो देख वाणी पाजी देख मेरी फोटो ले ले मैं अभी बैठे तू यू वाणी ए लाया मुन्नू टोपू देखा अच्छा ठहर तो ठहर ऐसे लगाओ तो वानू के पापा को आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे उनको वीडियो कॉल करी हुई थी। तो ड्यूटी का उनका टाइम था, तो मैंने बोला कि 2 मिनट आप वानू से बात कर लीजिए। तो उन्होंने भी वानू का बर्थडे देखा कि किस तरह से हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके नानू नानी भी आएंगे। भानू की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज इसकी तबीयत थोड़ा और ज़्यादा ख़राब हो गई। वैसे 2-3 दिन ये थोड़ी सी इसको खांसी लगी हुई थी, लेकिन आज इसको बुखार भी आ गया है और बर्थडे वाले दिन ही ये सब होना था। तो हम सब लोग खुश भी थे और थोड़ा सैड भी थे कि भानू की तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि बानी हर रोज़ स्कूल जाती है, आप लोगों को पता है मेरे साथ। तो इसका जो सबसे पहले बर्थडे हम स्कूल में सेलिब्रेट करेंगे। तो पापा जी ने सारी अरेंजमेंट कर दी थी, पापा जी ने 2-3 केक भी मंगवा लिए थे, एक स्कूल में काटना है, एक घर में काटना है। और आपको मैं बताऊं कि बानी के बर्थडे पे जो खाना वगैरह बन रहा है भाई, वो तो सब कुछ पापा ने बनाया हुआ है, तो इतना टेस्टी और इतना लजीज लग रहा है देखने को। मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी, जैसे जैसे मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि स्कूल में हम लोगों ने सबसे पहले सेलिब्रेट करना है, जैसा कि मैंने बोला। आज भाई बानी का हैप्पी बर्थडे है, ये है केक और ये बानी के खाने का सामान। हम लोगों ने बच्चों का, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी खाना देना है, तो हमने सारा जो मटेरियल है खाना बनाने का वो हमने चाची के पास दे दिया है। ये यहाँ पे स्कूल में खाना बनाती हैं। तो मटर मशरूम, बासमती चावल, केले का मीठा और कढ़ी यहाँ पे बनने वाली है स्कूल में। तो आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि बच्चों को पता है कि बानू का आज जन्मदिन है। तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज स्कूल में भी केक कटेगा। इसके भैया को बुलाओ या भाई, यू भी ने तो बोला ही नहीं बानी को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मुन्नू, बाणी ने बोला था कि मुन्नू ही लिखाना है, लिखाना तो इसमें मुन्नू ही लिखा है। किसका बर्थडे आज? ये भाई बानी का केक अपने फ्रेंडों को आज यहाँ केक खिलाएगी, बानी खिलाएगी और क्या। ये भाई बानू के बर्थडे का केक क्या है आज? अच्छा चलो यूपी आप भी चलो, यूपी आप आ जाओ, दोनों खड़े जाओ भाई बहन, इस साइड खड़ो ना। हैप्पी बर्थडे बानू, बोलो हैप्पी बर्थडे बानी। टाटू केक भैया को खिलाओ, केक जाओ भैया को, अपने भैया को दो केक बानी, थोड़ा सा चलो नहीं यहाँ से निकालो, देखो यहाँ से आ जाओ, ऐसे ऐसे दो ऐसे देंगे भैया को खिलाओ भैया। और अब आप भी अपनी दीदी को केक खिला दो, थोड़ा सा दे दो इसको, थोड़ा सा ऐसे हैंडू में लेके, हैंडू में लेके ऐसे उंगली में लेके थोड़ा सा ऐसे, और खिला दो अपनी दीदी को, खा लो बानी।